हम बिहार का इलेक्शन लड़े तो जैसा हम बिहार में गए सब शुरू हो गए, बैंड बाजा पार्टी शुरू हो गई कि देखो ओवैसी आया है, मजलिस आई है और मजलिस वोट काटेगी। हम 20 कैंडिडेट लड़े, 20 में 5 हमारे कामयाब हुए और कहां से कामयाब हुए बिहार में, सीमांचल की सरजमीन से। बिहार में सबसे पसमानदा इलाका, बल्कि पूरे भारत का अगर कोई पसमानदा इलाका है तो सीमांचल का इलाका है। वहां की गरीब जनता ने हमको आशीर्वाद किया, हमको अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमको कामयाब किया। जब मजलिस के मुखालिफ लोग सीमांचल में मजलिस के खिलाफ पैगाम और मुहिम चला रहे थे तो वहां पर हमारी मां और बहनों से मुलाकात की और कहा उन मुखालिफीन ने कि मां तू किसको वोट देगी, तो उस मां ने कहा पतंग छाप को वोट देंगे। बोले कौन पतंग छाप, तो उस मां ने कहा जिसके सर पे गोल टोपी है उसको वोट देंगे। तो उन मुखालिफीन ने कहा अरे वो तो सत्ता में नहीं आएगा, तो उस मां ने कहा सुनो इस बात को, उसीलिए तो उसको वोट दे रहे हो, उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं, उसको इंसाफ के लिए लड़ना है, उसको हमारी आवाज बनना है। ये काम आपको करना है। आपने सबको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया, संतरी बनाया, ये तमाम के तमाम कंत्री निकले। अब आपको मर्दों को भी जाना है, बहादुर मां और बहनों को वोट डालकर भी जाना है, जिनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तान हो, जिनकी सोच और फिक्र में तुम्हारी तरक्की हो, जिनका जीना और मरने का मकसद तुम्हारी लड़ाई लड़ना हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह बिहार की जनता ने मजलिस के 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, मेरी आंखें वो दिन देख रही हैं। इंशाअल्लाह ताला हम छोटू भाई वसावा के साथ गुजरात में इंशाअल्लाह ताला अपनी एक सियासी हैसियत को बनाएंगे और एक ताकतवर हैसियत को बनाएंगे यहां पे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 सीट 5 हम जीते, 9 पर कांग्रेस और आरजेडी कामयाब हुए, 6 पर एनडीए कामयाब हुई, और वो 6 जो एनडीए कामयाब हुई उनका जो कुल वोट था हमारे वोट से बढ़कर था। जब मैंने ये तमाम चीजें डाल दी तो ये लोग जो डरते हैं ना, जो मजलिस की मुखालिफत क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो हमेशा तुमको गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, तुमको डरा कर रखना चाहते हैं, तुमको खौफ दिलाकर रखना चाहते हैं कि अगर तुम हमसे हटकर किसी को और दोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी का साथ दोगे तो तुम्हारी मस्जिद को खतरा, अगर तुम हमसे हटकर किसी को और दोगे तो तुम्हारा जीना मरना या तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को, मैं भी थोड़ा बहुत उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनकी जबान से सुनाऊं कि जब हशर के दिन अल्लाह सबको जमा करेगा जिसमें तुम और हम भी शामिल होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में कितने दिन गुजारे, उन तमाम से पूछेगा रब्बे करीम, तो सब पुकार कर कहेंगे अल्लाह एक दिन गुजारा था हमने, और तुम उस एक दिन के लिए, तुम सिर्फ इस एक दिन के लिए डरोगे, तुम सिर्फ उस एक दिन के लिए इन बातिल ताकतों के सामने अपना सर को झुकाओगे, तुम सिर्फ एक दिन के लिए अपनी आंख में आंसू लाओगे उनके खौफ से नहीं। अगर नाजरीन इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद, एक दिन जीना है तो अल्लाह के खौफ से आंसू पैदा करो, अगर एक दिन जीना है तो हिम्मत से गुजारो, अगर एक दिन जीना है और जिएंगे एक दिन तो इज्जत से गुजारो, और इज्जत से गुजारो और इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि सोचो मेरी इस बात को, सोचो मेरी इस बात को,
सोचो मेरी इस बात को, अब डरना किसी से नहीं है। जमहूरियत है, संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ तकलीफ होगी, रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, मसायब का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर सुनो दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, तुमने सुना होगा उलमाओं की जबानों से कि कमली वाले ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुझे सताया गया है, उसके बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। क्या तुम नहीं देखते कि हमारी तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात हैं, तारीख के किताबों में, सीरत की किताबों में वाकयात हमारे सामने है। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर पत्थर रख दिया जाता था, और जब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, कैसी इज्जत दी, कहा कि आका ने फरमाया कि बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ, नाजा दे। ये होता है मसायब और मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनमें इतमाद होता है, जिनमें भरोसा होता है, जिनमें हिम्मत होती है। और हमको और आपको यही काम करना है। मैं हमारे बुजुर्गों से अपील करूंगा जो मेरी गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मगर मैं हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि आप भी इन बच्चों का मुस्तकबिल अपनी जवानी जैसा तुमने गुजारी गुजारने दोगे। हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि इन बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ये आने वाला कल उनका होगा, उनके अच्छा बनाने के लिए, उनके हुकूक को हासिल करने के लिए, भारत की जमहूरियत को और भारत के संविधान पर और अटूट भरोसा पैदा करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए, मंदलिस का साथ दीजिए। ये तो शुरुआत हुई है गुजरात से, अभी यहां से हम शुरू करेंगे, अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया, अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए, अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। ये गुजरात से जाएगा, गुजरात कवर करेगा इंशाल्लाह, राजस्थान भी जाएंगे इंशाल्लाह, होता राजस्थान भी जाएंगे। वहां पर धोखा किसने दिया छोटू भाई वसावा को, किसने दिया? आपको मालूम क्या किया कांग्रेस और बीजेपी ने, मामू भतीजा पार्टी ने, आज से इनका नाम मामू भतीजा पार्टी, कन्फर्म बस लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए। तो मामू भतीजा ने क्या किया, छोटू भाई वसावा का चेयरमैन बनना था क्या महेश भाई, तो इनको लगा कि आदिवासी बनेगा, आदिवासी पार्टी का बनेगा, तो मामू भतीजे बोले मामू पुकारा भतीजा, दोनों गले मिल गए, लपट के रोए, बोले नहीं नहीं हम दोनों एक हैं, ये गंदा है, इसको नहीं बनाए। धोखा दिया और एक चेयरमैन की सीट के लिए, एक चेयरमैन की सीट के लिए। सोचो इनके दिलों में कितनी नफरत भरी होगी, सोचो ये क्या आपको ताकतवर बनाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि हमको गुलाम बनाकर रखना चाहते। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मंजलिस का, बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए, गुजरात की सियासत में एक नई तारीख हम रकम करेंगे। कल तक जो लोग एक टेबल पर, एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने पर रखी जाएगी, उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठ कर कहेंगे ए रुजो साहिब एक और कुर्सी डालो, साबेर भाई तू भी बैठ, तो साबेर काबुली वाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे अब ये काम तुमको करना है,
हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ऑर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए, मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, मैं ये बात करता रहूंगा, गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा हक को बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया, और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे।